हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ मैं। बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आउट हुई है। देखो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कम वैकेंसीज हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट जो आपका आउट हुआ है वो DAE की तरफ से आउट हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, तो चलो डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या आपका पूरा क्राइटेरिया होने वाला है। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं आपके लिए। देखो वैकेंसीज ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्वाइट गुड है। मतलब ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। कोई भी गेट एग्जाम वगैरह कुछ भी देने की आपकी जरूरत नहीं है। तो और मैं पहले ये बता देता हूँ, देखो इसमें कौन कौन एलिजिबल है। देखो भाई साहब, अगर आपने BE, BTEC, डिप्लोमा, ITI यानी कि तीनों चारों जो भी कैटेगरी हैं सब आप इसमें एलिजिबल हो। ब्रांच स्पेसिफिक मैं बता दूं आपको, तो भाई साहब अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हो, सिविल कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हो, और इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। BE, BTEC, इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है, और उनसे इंटर रिलेटेड ब्रांच है वो भी एलिजिबल है। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या आपका एज क्राइटेरिया होने वाला है, किस बेसिस पर सिलेक्शन होने वाला है, कैसे आपको अप्लाई करना है, पूरा ईच एंड एवरी एस्पेक्ट शुड बी क्लियर इन दिस वीडियो। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखना इस वीडियो को। तो ये देख सकते हो जैसे कि ये ऑफिशियल साइट है भाई साहब। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करना हमारा काम है। और प्राइवेट की भी अब तो इन्फॉर्मेशन शुरू कर दी, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यार ये जो आपकी है ये ऑफिशियल साइट है DAE की, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, उसी के अंतर्गत आपका डायरेक्टरेट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एस्टेट मैनेजमेंट आता है, तो उसी के अंदर आपकी जॉब निकली है। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको जैसे इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आओगे। देखो यहाँ लिख रखा है, तीन डॉट पर क्लिक करोगे उसके बाद में यहाँ रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट पर क्लिक करोगे तो वहाँ आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। चलो मैं खोल के दिखा देता हूँ रिक्रूटमेंट। तो जैसे आप इसकी जो एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हो इस पर, एडवर्टीजमेंट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा इंटरफेस नया खुलने को मिल जाएगा। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। तो जैसे आप क्लिक करोगे देखो यहाँ पर आपको दूसरा इंटरफेस दिख जाएगा। तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर का आपका नोटिफिकेशन है, एडवर्टीजमेंट नंबर DCSEM 1 2022, लास्ट डेट देखो तो 29 अप्रैल है आपकी। और जो आपको ये ऑफलाइन पेपर भेजना है, मतलब जो आपका पेपर है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, सारा ऑफलाइन बाय द पोस्ट भेजना है, स्पीड पोस्ट। तो ध्यान से देखना कैसे कहां भेजना। ठीक है, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मैंने एलिजिबिलिटी आपको बताई दी, तो मैंने इसको डाउनलोड करके आपको दिखाता हूं इसका नोटिफिकेशन। और इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। ठीक है, तो मैं इसको दिखाता हूं आपको इसका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है। देखो यार ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि साइट पर रिलीज हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों फॉर्म में दे रखा है। तो मैं देखो आपको इंग्लिश वाला फॉर्मेट सुनाता हूँ जो कि समझ में आती है अपन सब लोगों को। ठीक है, तो जैसे ही आप नीचे आओगे तो इसका देखो पूरा इन्होंने दे रखा है, पूरा ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इसमें क्लियर कर रखा है आप सभी लोगों के लिए। तो मैं आपको इंग्लिश वाला पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या क्या आपका इसमें इन्होंने मैनेज कर रखा है। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे लिख रखा है लास्ट डेट की, सबसे पहले देखो लास्ट डेट जो होने वाली है आपकी 29 अप्रैल को होने वाली है। ठीक है, और देखो इसमें तीन कैटेगरी की मैंने बताया जैसे कि जॉब निकली हुई है, जूनियर इंजीनियर उनको पोस्ट दिया जाएगा जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, और जिन्होंने BE, BTEC कर रखा है उनको टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट दी जाएगी, ग्रेड ए की पोस्ट। ठीक है, लेवल 10 मिलने वाला है, तो पैसा तो बहुत अच्छा होने वाला है, अप्रॉक्स 70,000 प्लस आपको सैलरी मिलने वाली है। तो काफी अच्छा रिक्रूटमेंट है, परमानेंट रिक्रूटमेंट है, ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी जॉब नहीं होने वाली है। ठीक है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल केवल डिप्लोमा है, और BE, BTEC वाले कैंडिडेट जो है वो सिविल और मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे यार वैकेंसीज बहुत ज्यादा कम है, जैसे कि मैंने आपको इनिशियल में भी बताया था। यहां पे देखो आपको टेक्निकल ऑफिसर सी में दो वैकेंसीज हैं सिर्फ। ठीक है, BE, BTEC सिविल इंजीनियरिंग में 60% होने चाहिए आपके, और मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो वो आप देख लेना 35 के आसपास है टोटल अनरिजर्व्ड की। देखो अनरिजर्व्ड की वैकेंसीज नहीं है सिविल में, ना ही आपकी मैकेनिकल में। तो अगर आप OBC से बिलोंग करते हो, SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अनरिजर्व्ड के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। ऐसे हम मैकेनिकल की बात करें तो भाई साहब उसमें केवल एक वैकेंसीज है OBC में। ठीक है, OBC वाले कैंडिडेट इसमें फिल कर सकते हैं, तो आई थिंक जो भी इसमें एलिजिबल हो वो जरूर से फिल करना। उनको मैं प्रोसेस भी बता देता हूं कैसे आपको फिल करना है। और देखो सिलेक्शन प्रोसीजर इन्होंने यहां मेंशन कर रखा है, इस जगह पे देखो आप सिलेक्शन प्रोसीजर में इन्होंने यहां लिख रखा है। देखो बच्चे तो ज्यादा भरेंगे नहीं इसे, क्योंकि ऑफलाइन सेंड करना है, तो भाई साहब जो भी ओबीसी कैटेगरी में आते हो, एससी कैटेगरी में आते हो, एसटी कैटेगरी में आते हो, जो भी रिलेवेंट आपकी वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से फिल कर देना। ठीक है, तो देखो भाई यार यहां पे देखोगे तो स्क्रीन टेस्ट जब लेंगे जब बहुत ज्यादा कैंडिडेट हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कैंडिडेट होंगे, तो आपके डायरेक्टली आपके परसेंटेज के बेसिस पे कोई भी गेट वेट भी मेंशन नहीं कर रखा है कि आपका गेट क्लियर हो ना हो, बस आपकी एज लिमिट के अंदर आने चाहिए आप। ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्सनल इंटरव्यू अलोन। ठीक है, तो यहां लिख रखा है केवल पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे ही होने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर उसके बाद में डिप्लोमा वाली वैकेंसी से साइंटिफिक असिस्टेंट भी। ठीक है, इसमें लेवल 6 यानी कि 35,000 यानी कि 40,000 के आसपास इन हैंड सैलरी मिल जाएगी आप सभी लोगों को। इसमें देखो 6 वैकेंसीज हैं और सिविल वाले की, और सिविल में आपका देखो लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट जो होते हैं जो हाई स्कूल से डायरेक्ट आ जाते हैं वो भी एलिजिबल हैं। उनकी मैक्सिमम एज लिमिट जो अनरिजर्व में होने वाली है 30 साल। ठीक है, जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल तीनों वैकेंसीज निकली हुई हैं इनकी, यहाँ पे देख सकते हो आप, दो दो और
6 टोटल 10 वैकेंसीज हैं आपकी, इसमें भी आपको ऑफलाइन सेंड करना है। यहाँ पे देखो आपका ऑनलाइन पेपर भी होने वाला है, इसमें ऑनलाइन पेपर ही होगा, तो फाइनल सिलेक्शन पेपर के बेसिस पे ही होगा आपका। इसमें इंटरव्यू भी बोल रखा है, तो 1:5 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, देख लेना, 3 मार्क्स दिए जाएंगे एक सही क्वेश्चन पे और 1 मार्क्स काट लिया जाएगा एज अ नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। ये आपका पूरा प्रोसीजर है मार्किंग का। और फिर तीसरी प्रोसीजर है आपका जो टेक्नीशियन का, जो कि ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए, प्लंबिंग, कारपेंट्री, मेसनरी और फिटर, ये सभी लोगों के लिए, एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिकल, तो सभी लोग देख लेना जो ITI वाले हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, एडवांस टेस्ट होगा। तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, यहाँ पे लिख भी रखा है ट्रेड स्किल वगैरह टेस्ट होगा। और देखो यार, इसमें यहाँ पे लिख रखा है, तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास होगी, यानी कि देखो BSc होगी जो कैंडिडेट असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट भी और टेक्नीशियन भी, यानी कि डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं और जो आपके ITI वाले कैंडिडेट हैं, उनके पास अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, एडिशनल क्वालिफिकेशन होगी जो यहाँ पे मेंशन कर रखी है, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। बीटेक वालों के लिए कुछ ऐसा नहीं मेंशन कर रखा है उन्होंने, ठीक है। अपर एज लिमिट जो मिलती है वो मिलेगी आपको, और वैसे भी ज़्यादा वैकेंसी तो अनरिजर्व्ड के लिए है ही नहीं बीटेक वालों के लिए, तो उनको तो क्या ही फॉर्म फिल करना। देखो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात होती है शुरू, कि आपको एप्लीकेशन कैसे करना है। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन आपको बाई पोस्ट करना है, और उसके लिए पैसे कैसे पे करने हैं आपको, देखो अगर आप BTech से हो तो 500 रुपये, डिप्लोमा से हो तो 300 रुपये, ITI से हो तो 250 रुपये, ये आपको पे करने हैं। डिमांड ड्राफ्ट बनाना है किसके फेवर में, यहाँ पे लिखा हुआ है पेज एंड अकाउंट ऑफिसर DCSEM पेवेबल एट मुंबई, जाना बैंक में उसको बता देना भाई साहब इसके पेवेबल पे आपको वो बनाना है डिमांड ड्राफ्ट, और जो भी जितने भी आपकी रिस्पेक्टिव मनी हो उसको दे के उसको सीधे का सीधा डिमांड ड्राफ्ट बनवा के एक एनवलप में, एक यहाँ पे देखो एक एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, ये वाला नीचे मैं दिखाता हूँ, ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दे रखा है सबसे नीचे, तो एप्लीकेशन फॉर्म उसको लेके जाना। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, देखो ये वाला ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको पूरे को उठाना अपना, जो भी कैंडिडेट जो भी चीज़ है, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ रिसिप्ट वगैरह, ये किसकी है, देखो ये है आपकी पूरा DCSEM की परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन, तो इसको भरना, अफेक्ट साइज और जो अपना फोटो है उसको फिल करना, और सबको पकड़ पकड़ा के एक एनवलप में डालना है, और एनवलप में डाल के उसको जो डिमांड ड्राफ्ट है उसको साबुत का साबुत डालना है, और उसकी फोटो कॉपी अपने पास रख लेना, यानी कि ओरिजिनल पेपर है उसी को डालना है आपको जो डिमांड ड्राफ्ट का है, और उसकी एक फोटो कॉपी अपने पास जरूर रख लेना, और जो भी यहाँ पे आपकी रिस्पेक्टिव ये आपको मांग रहा है वो सब कुछ फिल करके एक एड्रेस इन्होंने मेंशन कर रखा है उस पे आपको सेंड करना है। मैं दिखा देता हूँ वो एड्रेस क्या है आपका, ठीक है, ध्यान से देख लेना आपको, देखो बनवाना है, और EWS वगैरह जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो अपना करंट का बना के रखें, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस एड्रेस पे आपको सेंड करना है, 29th of April इसकी लास्ट डेट है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, उससे पहले आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए, तो स्पीड पोस्ट करना, विद इन 2 to 3 days आपका पहुंच जाता है। तो देखो जिस किसी ने ये वीडियो देखी है तो अभी जाके बैंक में, आज ही जाना बैंक में और अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना। इफ एंड बट मत सोचना भाई, बहुत मतलब वैकेंसीज कम है लेकिन बहुत कम कैंडिडेट आएंगे, देख लेना मेरा बिलीव करना, ठीक है। तो चलो मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ सेंड करना है पहले, ठीक है। तो देखो यार ये इनका मेंशन कर रखा है इन्होंने यहाँ पे, ये वाला है आपका एड्रेस, यहाँ पे देख लेना पूरा इस नोटिफिकेशन को, देख लो एक बार, देख लेना, पढ़ लेना अप्लाई करने से पहले। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, अगर देखो आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर, यानी कि अगर आपने BE BTech भी कर रखा है और डिप्लोमा भी कर रखा है एट द सेम टाइम किसी रिस्पेक्टिव ब्रांच में, तो आप डिप्लोमा वाले के लिए अलग से अप्लाई कर सकते हो और BE BTech वाले के लिए अलग से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो, और हर एनवलप को अलग अलग भेजना है, जैसे आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डिप्लोमा का वाला का पहले भेजना है, फिर दूसरी बार में आपको BTech वाला भेजना है, अलग अलग भेजना है, और दो दो फोटो एक्स्ट्रा डाल के रखने। देखो यहाँ मेंशन कर रखा है 2 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। तो ये दो दो फोटोग्राफ आपको भेजने, एक बार देख लेना आप, ठीक है, भरने से पहले और सेंड करने से पहले। तो मल्टीपल भी सेंड किया जा सकता है, लेकिन मल्टीपल ही फीस देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि भाई साहब BTech में आपने फीस दे दी तो डिप्लोमा में नहीं देनी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने हर एस्पेक्ट आपको क्लियर करने की कोशिश की है। वैकेंसीज कम है लेकिन जितनी भी हैं फॉर्म फिल करना, ठीक है, और रिक्रूटमेंट अच्छे आएंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ाई करते रहो।